हमारा क्वेश्चन है तो कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। हमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस हो जाएगा b इंटू बी, और ये हो जाएगा एलिमेंट a इंटू माइनस बी प्लस b इंटू ए, और ये हो जाएगा माइनस b इंटू ए प्लस a इंटू बी, और ये हमारा हो जाएगा माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो जीरो, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये थ्री क्रॉस, ये हमारी थ्री क्रॉस वन मैट्रिक्स है और ये है वन क्रॉस थ्री, थ्री क्रॉस वन और ये है वन क्रॉस थ्री। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो रो का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कॉलम में होता है। सो देखिए, अब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, फिर सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, फिर थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, और अब जब नेक्स्ट एलिमेंट हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो के एलिमेंट का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये हो जाएगा टू इंटू थ्री, और ये हो जाएगा थ्री इंटू थ्री। अब ये हो जाएगा थ्री इंटू टू, थ्री इंटू थ्री एंड थ्री इंटू फोर, ये हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा टू फोर सिक्स एंड ये हो जाएगा थ्री सिक्स नाइन एंड ये हमारा हो जाएगा सिक्स नाइन ट्वेल्व। बस ये हमारा क्या है आंसर, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। सो देखिए दो मैट्रिसेस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो देखिए क्या हो जाएगा, वन इंटू वन प्लस माइनस टू इंटू टू एंड ये हो जाएगा वन इंटू टू प्लस माइनस टू इंटू थ्री एंड ये हमारा हो जाएगा वन इंटू थ्री प्लस माइनस टू इंटू वन, और ये टर्म हमारा हो जाएगा टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू टू एंड ये हो जाएगा टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू थ्री एंड ये हो जाएगा टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू वन। कैलकुलेट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस फोर माइनस थ्री, टू प्लस सिक्स एट, और ये हो जाएगा टू माइनस सिक्स माइनस फोर, फोर प्लस नाइन थर्टीन एंड ये हो जाएगा थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री कितना हो जाएगा नाइन। बस ये हमारा आंसर। ये देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है और मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो देखिए ये हो जाएगा टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा वन के साथ प्लस थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो के साथ प्लस फोर का मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री के साथ प्लस, और नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे तो टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस थ्री के साथ प्लस थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा टू के साथ प्लस फोर का मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो के साथ, और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइव के साथ प्लस थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर के साथ प्लस फोर का मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइव के साथ। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा वन के साथ प्लस फोर का मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो के साथ प्लस फाइव का मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री के साथ, और ये एलिमेंट लिखेंगे तो थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस थ्री के साथ प्लस फोर का मल्टीप्लाई हो जाएगा टू के साथ प्लस फाइव का मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो के साथ, और नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे तो ये हमारा थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइव के साथ प्लस फोर का मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर के साथ प्लस फाइव का मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइव के साथ, और अब यहां का एलिमेंट हम लिखेंगे ये तो ये हो जाएगा फोर इंटू वन प्लस फाइव इंटू जीरो प्लस सिक्स इंटू थ्री एंड ये हो जाएगा फोर इंटू माइनस थ्री प्लस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स इंटू जीरो, और
फर्दर हम इसको लिखेंगे तो 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, सो कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 12 और ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 15 और ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 18 और ये हमारा हो जाएगा माइनस 6 प्लस 6 और ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 8 और ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10 और ये टर्म हमारा हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 20 और ये हो जाएगा 15 प्लस 16 प्लस 25 एंड ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 30। अब देखिए, अब ये हमारा टर्म हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा माइनस 1 और ये माइनस 2, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये टर्म हो जाएगा हमारा 42 और ये हो जाएगा हमारा 56 आ जाएगा एंड ये टर्म हमारा हो जाएगा 70। बस यही हमारा आंसर है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये दो मैट्रिक्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 और ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 और ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 और ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 एंड ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 और इसके बारे में हम बताते हैं, ये 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 एंड ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 और ये हमारा हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 और ये हमारा आ जाएगा 0 प्लस 2 0 प्लस 4 0 प्लस 2 और ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। कैलकुलेट करेंगे इसे, ये हमारा हो जाएगा 1 1 और ये माइनस 2 और ये हो जाएगा 2 4 2 और ये हो जाएगा 3 5 0। बस यही हमारा क्या है आंसर है, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। सो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा और ये टर्म हमारा हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 और नेक्स्ट जो हमारा टर्म हो जाएगा माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1। सो ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस 1 प्लस 9 और ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 0 प्लस 6 और ये टर्म हमारा हो जाएगा माइनस 9 प्लस 3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 2। कैलकुलेट करेंगे देखिए इसे, ये हमारा हो जाएगा 14, ये हमारा हो जाएगा प्लस 4 और ये हमारा हो जाएगा माइनस 6 5। बस यही हमारा आंसर है।